बाबू बच जाओ, तुम लोग बच जाओ। देखिए इसमें कॉन्वेंट में पढ़ने वाले जो लड़के हम पहचान रहे हैं, चलो बोले भारत माता की। अभी आधा लोग बोले, आधा नहीं बोले, जोर से बोलिए, सबको बोलिए, बोलिए भारत माता की। अभी उधर देखो, उधर सुनीता इंटरमीडिएट में पढ़ती है और वो शारदा की लड़की है, शारदा महाविद्यालय में पढ़ती है। मैं सबको पहचान रहा हूँ, तुम लोगों को नारा लगाना है कि नहीं, दोनों हाथ उठा के आप बोलिए भारत माता की। माता जी साथ में अंगुली, भारत माता की जय बोले नहीं गति, बोलिए भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के इस चुनावी सभा में हम सबके जोरदार प्रत्याशी आदरणीय पारसराज जी का हृदय की गहराइयों से इस द्वारा की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभिनंदन करता हूँ इस पराशर जी के महंत पूज्य महाराज जी का, जिन्होंने आज आतिथ्य स्वीकार करते हुए और आज अध्यक्षता करने का समय दिया। अभिनंदन करता हूँ अपने जोरदार ब्लॉक प्रमुख जी का, जो साथ में प्रत्याशी के चलते हैं और उन्होंने कहा है कि सौगंध राम की खाते हैं, आप जरूर बोलिएगा। प्रभु जी ने कहा सौगंध राम की खाते हैं, हम पारस जी को जिताएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, जो थे सौगंध राम की खाते हैं। माँ को, मंच को और मही को प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ इस द्वारा धरती की इन समस्त माताओं को, जिन्होंने पिछले 2014 में अपना एक वोट दे करके और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के दूत के रूप में मनोज सिन्हा जी को यहाँ के आशीर्वाद दिया था। मैं आपको केवल आपकी घटना बताऊंगा, हमारे प्रत्याशी जी ये सारी बातें बताएंगे। याद करिए आज के 20 वर्ष पहले जब हम छोटे थे, जब हमारी माताएं खुश होती हैं तो पूरा वायुमंडल खुश हो जाता है, जब माताएं द्रवित होती हैं तो पूरा गांव मातम में बदल जाता है। याद करिए संभवतः भृगु सिंह जी का वह ट्रैक्टर था, इसी गांव ढोरा ग्राम पंचायत से ट्रैक्टर उस पार जा रहा था और ट्रेन आई और चार लोगों को दो टुकड़े में करने का काम किया। माताएं देख देख करके वो लाश करुण क्रंदन किया करती थी, चार चार लोग विधवा हो गई, लोगों के अपने होश उड़ गए कि आखिर हुआ कैसे। लोग आए, सांत्वना दिया, हरदासपुर के लोगों को कहा कि शांत हो जाइए, ट्रेन से कटे हैं, आई गई बात खत्म हो गई। लेकिन जिसकी मांग का सिंदूर धुला, आप बताइए ये हरदासपुर की घटना वो भूल जाएंगे? नहीं, लोगों की सरकारें थी, वोट मांगे और चले गए। आगे बढ़िए सुल्तानपुर, रमई यादव के परिवार की वो बहू जो बोझा लेकर के और रेलवे क्रॉसिंग पार कर रही थी, पेट में भी अभी बच्चा था मित्रों, ट्रेन आई और दो टुकड़े हो गई, चीख मुकी, चित्कार चित्कार के रो रहे थे सुल्तानपुर के लोग। इस दर्द को सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन 2014 की बात जब आपने एक बटन दबाया, इस दर्द को समझने का काम किया और सुल्तानपुर और हरदासपुर में अंडर पास बनाने का काम किया, तो उस प्रत्याशी उस सांसद का नाम था आपके आशीर्वाद से जीते हुए मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा ने कहा कि हम माँ को सम्मान देते हैं। याद करिए काम आगे बढ़ता है, दुल्लापुर प्लेटफार्म आपको याद होगा, दुल्लापुर प्लेटफार्म छोटा, नाइटी का प्लेटफार्म नीचे, सारे लोग परेशानियों का सामना कर रहे थे। यहाँ से माताएं बहने सोमवार को जाती है दुल्लापुर बाजार में, अपनी ननद को लेकर के यहाँ की बहू जब बाजार में पहुँचती है, बूढ़ी माँ को लेकर उसकी नकली जब बाजार में पहुँचती है और पिशाब लग जाता है, तो दुकानदार तो हम और आप तो बेहया है, बेशरम है, कहीं भी पिशाब कर लेते हैं, लेकिन धन है वो बूढ़ी माँ जिसके हाथ में जवान बेटी की कलाई थी और वो दुल्लापुर बाजार घूम रही थी और सोच लग गया, पिशाब लग गया तो इधर उधर झुरमुट की आर खोजती थी, वो नई नवेली बहू जो हमारे आपकी इज्जत हुआ करती थी वो आर खोज के पिशाब करने का काम करती थी। लेकिन आपके ओर से जीते हुए मनोज सिन्हा ने इस माँ बहनों के सम्मान के लिए अगर उस दर्द को समझने का काम किया, तो दुल्लापुर स्टेशन के दाएं और बाएं दोनों तरफ आधुनिक शौचालय बना करके
माँ और बहने के सम्मान में परोसने का काम किया था, वो दिन याद करिए मित्रों। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब माँ की बात आती है, जब बहन की बात आती है, जब बेटी की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है पढ़ेगी बेटियां और पढ़ेगी बेटियां। हमने 2014 में अपने वोट दिया, हमारे प्रत्याशी महोदय उस समय भी कैंपेनिंग कर रहे थे मित्रों, 2014 के वोट को लेकर के पढ़ी बेटियां और बढ़ी बेटियां। फिर जब आपने 2019 में मतदान किया, सरकार बनी, तो नौकरियों में सिपाही बना करके दुश्मन की छाती पर एक कदम आगे बढ़ करके पढ़ी बेटियां चढ़ी बेटियां और पुलिस की वर्दी लगा करके दुश्मन की छाती पर चढ़ी बेटियां, ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ताकत थी। मैं आपसे बताना चाहूंगा, अभी हमारे प्रत्याशी महोदय आ रहे थे तो लोगों ने कहा विरोध की बात। आप बताइए मित्रों, जो प्रत्याशी आपके बीच में आपके मान स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए अपने एक एक कार्यकर्ता को भेजता है और प्रत्याशी के बारे में आप जानिए, वो दिन याद करिए, यही माता है जो शिला पूजन करती थी और तिलक लगा करके राम मंदिर निर्माण आंदोलन में लोगों को भेजने का काम करती थी। तो हमारे प्रत्याशी उस जमाने में राम मंदिर आंदोलन में शिला पूजन में और राम मंदिर आंदोलन में जाने वाले प्रत्याशी का नाम है श्रीमान पारस राय जी। उस समय के प्रत्याशी राम मंदिर आंदोलन में जाते हैं और इस बात के लिए हाजिर लगाते हैं कि राम मंदिर बनेगा तो दुर्गा परिषद के सिगरी गांव का नौजवान भी आहूत होने के लिए तैयार रहेगा। एक तरफ राम मंदिर के निर्माण के लिए आंदोलन चल रहा था और दूसरी तरफ राम भक्तों और साधु संतों पर गोली चलवाने का काम किया था। आपका प्रत्याशी उस पार्टी के साथ था जिस प्रत्याशी ने राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया। एक तरफ आपका प्रत्याशी जो राम मंदिर बनवाने के लिए गया हो और आने वाला सांसद जो आपके यहाँ आ रहा है वो राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया हो, फैसला आपके हाथ में है मित्रों कि आप करेंगे क्या, राम मंदिर और भक्त को वोट देंगे या फिर भक्तों के पर गोली चलाने वाले को वोट देंगे। एक निवेदन के साथ मैं अपनी बाणी को देता हूँ विराम, आप बोलिएगा दोनों हाथ उठा के जय श्री राम। लेकिन पहले मेरा निवेदन, एक बात ध्यान करना माता हूँ, आप जब चलती हो घर से वोट देने, जब आप निकलती हो तो एक झुंड निकलता है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा बटन दबाने के बाद कि घर बने गरीब का, घर बने गरीब का कुटिया की रक्षा हो, खेत में सोए किसान के कटिया की रक्षा हो, मंदू तिरक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो, बटन वही दबाना कि बिटिया की रक्षा हो, बिटिया की रक्षा हो। मैं अपनी भाई को कहता हूँ विराम, आप बोलिए दोनों हाथ उठा के।